हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट एंड 18 कैरेट में क्या फ़र्क होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे 24 कैरेट गोल्ड की। तो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योरेस्ट गोल्ड है। 99.9% उसमें प्योर गोल्ड होता है। और अगर आपका शॉपकीपर आपसे बोल चुका है या फिर बोलते हैं कि हम आपको 24 कैरेट का गोल्ड की प्योर ज्वेलरी दे रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि 24 कैरेट में कोई सी भी ज्वेलरी नहीं बनती, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है। सॉफ्टनेस के वजह से कोई भी ज्वेलरी नहीं बन पाती। तो 24 कैरेट में सिर्फ आपके बार्स आते हैं, कॉइन्स आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं 22 कैरेट। 22 कैरेट यानी कि 91.6% गोल्ड, साथ में सिल्वर एंड जिंक इसमें मिलाया जाता है। मिलाने का ये रीज़न है ताकि हम गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में बना सकें, शेप दे सकें। तो इस वजह से 22 कैरेट में जो 91.6% गोल्ड रहता है, साथ में सिल्वर एंड जिंक इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं, चाहे वो नेकलेस है, चाहे वो चेन है, कोई सी भी फॉर्म है ज्वेलरी की, तो आप हमेशा 22 कैरेट 916 हॉलमार्क वाला ही लेना, तो वो ही सबसे प्योरेस्ट होता है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 18 कैरेट। 18 कैरेट यानी कि 75% उसमें गोल्ड रहता है, बाकी 25% उसमें अदर मेटल्स रहते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, सिल्वर हो गया। तो 18 कैरेट फ्रेंड्स आपको पता होगा कहाँ यूज़ किया जाता है। जो डायमंड की ज्वेलरी होती है उसमें 18 कैरेट ही लगता है, ठीक है, ताकि जो डायमंड को होल्ड कर सके। सो फ्रेंड्स, 24 कैरेट, 22 कैरेट एंड 18 कैरेट में प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो सबसे हाई जो होते हैं वो 24 कैरेट होते हैं, उसके बाद 22 कैरेट एंड उसके बाद 18 कैरेट। तो अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोचते हो कि आप लाइक कॉइन्स लेने हैं या बार्स लेने हैं, तो अभी से बात आप 24 कैरेट का ही लोगे। लेकिन अगर आपको कोई भी ज्वेलरी बनवानी है तो आप 22 कैरेट 916 हॉलमार्क वाला ही लेना। अगर आप डायमंड की कुछ चीज़ बनाते हो तो यानी कि 18 कैरेट में ही बनेगा। तो आई होप आपको फ्रेंड ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।